हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्तल चौधरी व्लॉग। आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं जलाराम धाम जो फलतरा में आया हुआ है, जो धर्मपुर से 13 किलोमीटर और बलसाड़ से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, जलाराम धाम आप कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हम मॉर्निंग में जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के बाद यहाँ पर वेडिंग फोटोशूट और टूर वाले बहुत रहते हैं, इसलिए पब्लिक ज़्यादा हो जाती है। जब हम वापस वहां से निकलेंगे तो आप देखना, वहां पर आपको बहुत भीड़ आती हुई दिखाई देगी। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये सामने वाला पार्किंग एरिया है, आप यहां पर बस से भी आ सकते हैं, जो यहां की एसटी बस है। यहां पर आपको सबसे पहले टिकट लेनी होगी, पहले नहीं था, अब स्टार्ट किया है। तो ये सामने जलाराम बापा का मंदिर है। यहां पर दर्शन करने के बाद ये जो मैप लगा है, इतना हम देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पर क्या देखने जैसा है। तो आपने मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। मॉनसून के सीज़न में नदी में बहुत पानी रहता है, यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है पानी। नदी में बहुत छोटी बड़ी मछलियाँ हैं, बतख भी है। यहाँ पर सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम जाएँगे। वहाँ जो पानी में मंदिर है, वहाँ जाने के लिए आप नाव से भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर हर जगह की टिकट अलग अलग से लेनी होगी, जैसे कि चिड़ियाघर की अलग टिकट है, मछली घर की अलग। दोस्तों, मॉनसून के टाइम पर ये जो पुल है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, पूरा हरियाली से भरा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफर बहुत आते हैं। दोस्तों, ये दूसरा गेट है, यहाँ पर हम सिद्धिविनायक यानी कि गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। ये सामने वाला जो मंदिर है वो गणपति बप्पा का मंदिर है। यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो चेंज होता रहता है, तो आप जब भी आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर देखने को मिलेगा। जलाराम धाम में जब जलाराम जयंती होती है तब यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ये है यहाँ का शॉपिंग सेंटर, जहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। अब हम जाएंगे मछली घर देखने के लिए। तो आपको मछली घर और चिड़ियाघर दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे, पर टिकट दोनों की अलग अलग लेनी होगी। तो दोस्तों, ये है मछली घर, यहाँ पर बहुत अंधेरा है अंदर।
ये बहुत बड़ा है मछली घर। दोस्तों ये जो सेंटर वाला मछली घर है इसके ऊपर ही बनाया हुआ है चिड़ियाघर। अब हम यहाँ पर जितने भी मछली घर है वो देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का मछली घर और चिड़ियाघर जो हमने पूरा देख लिया है। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। तो हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर आप फोटोशूट के लिए आ सकते हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अब हम जाएंगे पानी में जो मंदिर है वहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये है पुल, यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया आती है। Thank you.
दोस्तों ये था जलाराम धाम जो हमने पूरा देख लिया है। जलाराम बापा का मंदिर हो और भोजनालय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामने जो दिखाई दे रहा है वो है भोजनालय। ये भोजनालय जहाँ पर हमने गणपति बापा के दर्शन किए वहाँ पर ही है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब हम आए थे तो एक ही ट्रैवल थी, अब बहुत सारी ट्रैवल्स आ गई है जो टूर वाले हैं। अब बहुत भीड़ होगी बापा के दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच।